101 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई का यह है एफएम गोल्ड। प्रस्तुत है कार्यक्रम छू लो आसमान। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में 30 वर्षों से निर्माता, वितरक, फिल्मों के व्यवसाय की मार्केटिंग, फिल्मों की तकनीक और न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से जुड़े और उसके निर्माण से जुड़ी जानकारियों की शिक्षा देने वाले यूसुफ शेख से बातचीत कर रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नजारा टेक्नोलॉजी, प्रेसिडेंट ऑफ IBG, रिपब्लिक ऑफ माली के ऑनररी काउंसिल विकाश मिटरसन। हमारे साथ आज हैं यूसुफ शेख जी। ये बड़े एक्लेम फिल्म मेकर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फिल्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। अभी आप सब सुनेंगे इनके बारे में। वेलकम यूसुफ जी टू ऑल इंडिया रेडियो। थैंक यू वेरी मच। 100.1 गोल्ड FM। थैंक यू वेरी मच सर, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। जिंदगी भर ऑल इंडिया रेडियो को सुना है और आज इस स्टूडियो में बैठ के मुझे कुछ अलग ही खुशी हो रही है, वो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ आपसे। लेकिन हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर दिस इंस्टीट्यूशन। और अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक सुनना या एंटरटेनमेंट के अलावा हमने जो सीखा है यहाँ से वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे फादर बड़े ही एविड लिसनर थे और वो मतलब आवाज़ से बता देते थे कि अनाउंसर कौन है। तो उस जमाने से हम ऑल इंडिया रेडियो के फैन हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से थे क्या? मेरे फादर एक बहुत ही लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर थे। अच्छा? बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी थी उनकी। उन्होंने गुजरात में जो फिल्में एक जमाने में नहीं रिलीज होती थी, 70s में 80s में फिल्में बम्बई में लगती थी, फिर वो 15 वीक 50 वीक के बाद गुजरात पहुंचती थी। ओनली डायनामिक मैन वो, जो यहाँ से फिल्में बॉम्बे लगने से पहले लेके वहाँ जाते थे कि भाई हमको साथ में लगानी है, आई शुड बी रिलीज इट लेटर। हाँ, तो वो एक उन्होंने बहुत, उसका एक जो फाइनेंशियल मॉडल था किसी को जम नहीं रहा था, लेकिन ही डिस्कवर्ड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पिक्चरें तब चलती थी 50 वीक 100 वीक 75 वीक। तो इतना बड़ा ऑडियंस भूखा था पिक्चर देखने का और एडवांस बुकिंग में पिक्चरें सोल्ड आउट हो जाती थी और मतलब एक क्रेज था सिनेमा का और वही एक एंटरटेनमेंट का जरिया था। तो लोग मतलब 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की लाइन लगती थी फिल्में देखने की। तो उसको उन्होंने टैप करके ऐसी ऐसी फिल्में जो कभी रिलीज नहीं होती थी वो ले जाते थे वहाँ पे, और गुजरात में पहले रिलीज हो जाती थी। अच्छा। और बॉम्बे के साथ होती थी, साथ में साइमल्टेनियस का बिजनेस शुरू किया। और जब उन्होंने किया और बिजनेस इतना बड़ा तो बॉम्बे के प्रोड्यूसर उनका वेट करते थे। अच्छा? डिस्ट्रीब्यूटर वेट करते थे कि महबूब आएगा, कोई पिक्चर ले जाएगा। अच्छा? क्योंकि पहले रेवेन्यू आ जाता था पहले ही दिन से। तो एक इंटरेस्टिंग काम किया था उन्होंने और हम देखते थे हमेशा कि डैडी जाते थे और बॉम्बे से फिल्में लाते थे। तो मैं हमेशा एज अ किड मैं एक्टिंग करता था उनकी घर में कि मैं जा रहा हूँ बॉम्बे, अभी पिक्चर लेके आ रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। तो ऐसे ही हुआ, मतलब आफ्टर हिम आई टुक अप हिज जॉब और डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन मैंने शुरू किया। और आपको बता के मुझे खुशी हो रही कि मेरी अपने बैनर में, पर्सनल बैनर में पहली फिल्म आज से एग्जैक्टली 25 साल पहले 1 जुलाई 1994 को रिलीज हुई थी, जिसका नाम था मोरा। तो चीज बड़ी है मस्त। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी की शुरुआत की फिल्म थी। और हमारे बहुत ही बॉम्बे जब मैं आया तो मेरे डैडी ने मुझे गुलशन जी के पास रखा था, गुलशन राय के पास, जो प्रोड्यूसर थे और डिस्ट्रीब्यूटर थे, त्रिशूल, दीवार, विधाता, ऐसी ऐसी फिल्मों के प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर थे। और उनके पास मुझे रखा था कि आप, ये आपके गाइडेंस में रहेगा, यहाँ पे आप इसके गार्डियन हो। तो मैंने गुलशन जी को बोला मुझे मोरा खरीदनी है, आप मोरा दीजिए, आपके साथ शुरुआत होगी मेरी। आज 25 साल बाद आई कैन टेल यू इट वॉज द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था जब मैं मोहरा का डिस्ट्रीब्यूटर बना एज अ यंग 25-year-old। एंड या इट वॉज, दैट इज वेयर द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम माई ओन पर्सनल कंपनी। डायट तो करते ही थे पर मैंने अपनी शुरुआत की, बहुत बड़ी हिट पिक्चर हुई थी मोहरा। वेरी गुड। उसके बाद तो मुझे अच्छी अच्छी फिल्में मिली, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, एक पिक्चर आई थी अक्षय की और अजय देवगन की सुहाग, फिर लॉस्ट वर्ल्ड आई थी जुरासिक पार्क का पार्ट 2। तो मतलब मैंने कम से कम 100 पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट की। अरे वाह। तो यूसुफ जी, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम सब टाइप के फिल्म्स आपने करे, फिल्म मेकिंग बहुत करी है, तो आपकी ये जर्नी कैसे रही? सर मेरी लाइफ की जर्नी ऐसी है ना कि आप बोलोगे कि इस पर तो फिल्म बननी चाहिए, मतलब लाइफ में। हाँ, इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी वॉलेटाइल, इतने शॉर्ट टाइम में मैंने बॉलीवुड में देखा है, इतना वॉलेटाइलिज्म देखा है। पहली फिल्म हुई मोहरा, सुपर डुपर हिट। दूसरी फिल्म मैं लेके आया मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, वो तो बहुत बड़ी थी। अच्छा, वो पिक्चर बहुत हिट थी, लेकिन ऑल इंडिया, सिर्फ गुजरात में जहाँ मैंने पिक्चर ली थी वहाँ पे जिस दिन
मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी रिलीज हुई, उस दिन पूरे गुजरात को प्लेग हिट डिक्लेयर किया गया। अब आप सोचिए कि मतलब ये किस्मत से बड़ी कोई चीज नहीं है ये कि इतनी बड़ी हिट ऑल इंडिया में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये पिक्चर सुपर हिट हुई, और मेरे पास जहाँ टेरिटरी में जो पिक्चर है वो वहाँ पे थिएटर नहीं, चार लोगों से ज्यादा अलाउड ही नहीं था, वो एक क्लॉज लग गया था, प्लेग हो गया था, तो प्लेग में मोर देन फोर पीपल वर नॉट अलाउड टू असेंबल टुगेदर, तो सिनेमा का तो चलने का सवाल ही नहीं था। और मैं क्या मतलब फोर्स मेजर बोलें उसको, क्या बोलें, मतलब वी हैड अ क्रेजी क्रेजी लॉस। सब सिनेमा वालों ने मेरा साथ दिया था, लेकिन वो पूरी इंडिया की हिट पिक्चर, तो ये एक पहला डाउनफॉल आया। अब वो डाउनफॉल की तो क्या मतलब, इट्स ओके, तो बिजनेस में चलता रहता है। मैंने मोहरा रिलीज की थी तो मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी है, उसके पीछे सुहाग आई, सुहाग के पीछे लॉस्ट वर्ल्ड आई, पिक्चरें तो आती रहती थी, तो इट इज़ पार्ट ऑफ द बिजनेस। फिर मेरे पास एक सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट, तो खैर बिजनेस में लॉसेस का कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने बहुत अपनी लाइफ की सबसे बड़ी पिच की थी, एक पिक्चर डुप्लीकेट शाहरुख खान डबल रोल में, और शाहरुख खान वॉज द बिगेस्ट स्टार, और मैंने सोचा यार इससे बड़ी फिल्म नहीं हो सकती है, तो मैंने बड़ी महंगी खरीदी थी तो पिक्चर। यश जोहर जी, करण जोहर जी के डैडी थे, ये वॉज द प्रोड्यूसर, और मैं उनको मिलता रहता था, तो गुलशन जी के यहाँ हमेशा मुलाकात होती थी, तो मैंने बोला सर आपकी पिक्चर तो लेनी है, मुझे पता है कि आप लोग एक यंग टीम के, मुझे सुनाई देता था करण जोहर शाहरुख खान सब दोस्त हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म बना रहे हैं, तो मैंने वो फिल्म ले ली। उसमें वो पिक्चर नहीं चली हमारे गुजरात में, बिल्कुल नहीं चली, मतलब वॉज अ बिग डिजास्टर, तो वो एक डाउनफॉल आ गया, वो चलता रहता है, इट इज़ अगेन पार्ट ऑफ बिजनेस। सबसे बड़ा सेटबैक मुझे मिला, मैंने इसमें एक बात सीखी जो आप बोले स्पेक्ट्रम्स ऑफ द बिजनेस, मैंने एक बात सीखी कि अ डिस्ट्रीब्यूटर कैन बी वेरी पावरफुल इफ ही हैज़ अ चेन ऑफ सिनेमाज। तो मेरे डैडी सिनेमा ओनर थे, लेकिन उनके पास जो गाँव में थिएटर थे वो इतना बड़ा कॉस्ट की पिक्चरें नहीं अफोर्ड करते थे, तो वो बाहर मुंबई से जब पिक्चर लाते थे तो थिएटर वाले उनके पास आते थे कि सर हमारा थिएटर रेंट पे ले लो, सर आप पिक्चर लगाओ आपकी। तो मैंने उस बिजनेस सीखा कि ये एग्जीबिशन का बिजनेस अच्छा है, थिएटर वाला अपना थिएटर हमको दे देता है और पिक्चर हम लगाते हैं। तो मैंने सिनेमा जमा करना शुरू किया सर, मुझे लग रहा था वो सीइंग द एग्जीबिशन बूम कमिंग, तो मैंने सिनेमा जमा करना शुरू किया। मैंने 51 सिनेमा ले लिए, 51 सिनेमाज मैंने, आई वॉज द फर्स्ट मूवर इन एग्जीबिशन इन गुजरात, मैंने 51 सिनेमाज ले लिए। हालांकि हमारे पहले प्राणलाल दोषी साहब, उदा थदानी साहब, ये लोग बड़े एग्जीबिटर थे, लेकिन मैंने अपने एज ए यंग किड मैंने 51 सिनेमा ले लिया अपने पास, और सबके रेंटल लॉन्ग लीज पे ले लिया पिक्चर सिनेमा, और मैंने उनको कहा भैया मॉडर्नाइजेशन उसका डॉल्बी डीटीएच जो जो उस समय डीटीएस लगता था और मल्टीप्लेक्स की तरह उसको कन्वर्ट करना सब मैं करूँगा, आप मेरे साथ रहो। तो उन्होंने लॉन्ग लिस्ट पे थिएटर दे दिए। अब देखिए सेटबैक कैसा होता है, 2000 में सर 26 जनवरी 2000 आई थिंक आशिक पिक्चर लगी थी मेरे सब सिनेमा में, इंद्र कुमार की, बॉबी देओल था उसमें, 26 जनवरी के दिन अर्थक्वेक हो गया, इतने सारे लीज के सिनेमा लेके बैठा हूँ और लक चलती क्या सर, किस्मत कहाँ जाती है पता नहीं, और अर्थक्वेक हो गया, कैन यू इमेजिन, मतलब इतना बुरा हुआ था कि मतलब कोई मनी लॉस का तो कोई डिस्कशन नहीं था, क्योंकि जो लोगों ने सहन किया था वो अर्थक्वेक अनबिलीवेबल था। तो हमने वी टुक इट इन आवर स्ट्राइड के चलो लॉस है, बिजनेस है, कुछ भी है, तो इट वाज अ बिग सेटबैक। क्या उन सिनेमा के मैं रेंट भर रहा हूँ इतने बड़े बड़े, और 3-4 महीने तो पब्लिक थिएटर में आने को तैयार नहीं, तो वो सेटबैक आया। फिर मुझे लक देखिए, मुझे गदर मिली अपने सब सिनेमा में, मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो उन्होंने मेरे सब थिएटर में मुझे गदर दे दी, सनी देओल की, तो एक पिक्चर ने पूरा मेकअप कर दिया, एक पिक्चर ने। तो इट इज़, ये लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग गुजरी है, बहुत मतलब कमाल की। उसके बाद एक और बड़ा इवेंट आया, मुझे डर लगता है बोल के कि कैसे आ जाते हैं, मतलब पता नहीं, 2002 में फिर रायट्स हो गए गुजरात में। मैंने यहाँ बैठ के मुझे बहुत वहाँ पे कंट्रोल मेरा बहुत था, क्योंकि लोग एग्जीबिटर्स मुझे बहुत चाहते थे कि यार दे दो इसको सिनेमा दे दो, ये यंग डायनामिक लड़का है, ये बहुत करता है। फिर 2000 में राइट्स हो गए, तो मैंने बोला अभी गुजरात छोड़ो, अभी ऑल इंडिया का काम करेंगे, अभी गुजरात का नहीं करें, अकेले गुजरात। अभी भी है मेरे 3-4 सिनेमा खुद के हैं, लेकिन इट इज़ इंटरेस्टिंग कि वो काम किया। फिर राइट्स के बाद फिर सिनेमा छोड़ दिया, मैंने बोला छोड़ो। और उस ज़माने में तब श्रृंगार सिनेमाज जिसने फेम चेंज जो बनाया, उसमें मेरे दोस्त थे श्रवण श्रॉफ साहब, उन्होंने बोला कि यार तू इतना जानकार है सिनेमा का, हम लोग सिनेमाज बनाने जा रहे हैं, क्यों हमारे साथ जुड़ता नहीं है, काम करते शुरू। देन आई ज्वाइन देम, और पहला, क्योंकि इतने झटके खा चुके थे, पहला टेस्ट ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन मुझे आया। मैंने बोला दिस वाज द रिक्वायरमेंट, कि मैं एक अकेला आदमी सफ़र कर रहा हूँ, 2-3 बार लॉस हो गए, अगर कॉर्पोरेटाइजेशन होगा तो ऐसे चीज़ें स्ट्राइड में ले जा सकती है। तो आई बिलीव्ड इन दैट मॉडल एंड आई वर्क विथ हिम फॉर सम टाइम। उन्होंने फेम एड लैब्स जो अंधेरी में पहला मल्टीप्लेक्स खोला था, मनमोहन शेट्टी साहब के साथ उन्होंने वो खोला। हम लोगों ने एक डिजिटल सिनेमा का बहुत बड़ा प्लान बनाया था जो अभी आज बड़ा एग्जिस्टेंट है, तो वो हमने साथ में किया, करने की कोशिश की। और फिर मैं
अपनी एक और जर्नी में चला जो प्रोडक्शन की जर्नी है। हमारे साथ आज हैं यूसुफ शेख जी, ये ऑलराउंड फिल्म एक्सपर्ट हैं। इनका मैं कहाँ शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ, तो आप लोग सुनते जाइए। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये तो आपका अभी है, पहले आपकी अर्ली लाइफ क्या थी, एजुकेशन क्या था, आप ये फिल्म वर्ल्ड में आए कैसे, वो तो थोड़ा बहुत आपने बता दिया है ऑलरेडी, लेकिन आपका क्या था एजुकेशन, क्या कहाँ स्कूलिंग करी? सर मैं आपको बताऊँ ना, मैं एक सिनेमा ओनर के घर में पैदा हुआ, सो यू कैन इमेजिन कि फादर सिनेमा ओनर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और हम तो वही बात चलती हुई कि सारे वही चाल चलती थी, और घर और सिनेमा एकदम बगल में था, एकदम बगल में। तो मेरे डैड मुझे ऑब्जर्व करते थे, तो मैं ना अगर फैमिली फोटोग्राफ हो रही है या कोई कोई इवेंट हो रही है, सबसे पहला परफॉर्मेंस देने में नंबर मेरा, और मेरा पोज जो मैं कर रहा हूँ फोटोज में, फैमिली फोटोज में, वो अपने पोज कर रहे हैं, मैं अपना एक्टर की तरह, तो वो परेशान हो गए। मैं कहीं हाथ में टॉय गन लेके खड़ा हूँ कहीं कहा, तो मेरे को बोलते थे कि यार फैमिली फोटो है, मतलब फैमिली, तू गन लेके कहाँ से आ जाता है? तो देन ही रियलाइज कि ये बड़ा फिल्मी हो गया लड़का। सर उठा के मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड उसमें से बोर्डिंग में भेज, बोर्डिंग स्कूल में भेज, उठा के बोले ये लड़का हाथ से जाएगा, इसको बोर्डिंग में डाल दो। उसके बाद 12 साल में भारतीय विद्या भवन बड़ौदा में एक बोर्डिंग स्कूल में रहा, लेकिन लेट मी टेल यू, इट इज द मोस्ट अमेजिंग टाइम ऑफ योर लाइफ, टाइम ऑफ माई लाइफ, इट इज द मैं आज जो कुछ भी हूँ वो बोर्डिंग स्कूल की वजह से। आई कैन टेल यू जितना इंडिपेंडेंस मैंने वहाँ देखा, इतना भाईचारा, आज मेरे दोस्त मेरे भाइयों की तरह हैं। आज मुझे जिंदगी के हर एक्सपीरियंस से मैं गुजरा हूँ उस बोर्डिंग स्कूल के अंदर, जब 12 साल एक साथ में रहते हो, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो एक डैडी को मैं हमेशा थैंक करता हूँ, वो नहीं रहे, लेकिन एक साइलेंट प्रेयर हमेशा होती है कि यू मेड मी समथिंग बिकॉज आपने मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। तो आज मतलब ये है कि जिंदगी के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आदमी अकेला खड़ा हो सकता है, सक्सेस फेलियर मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि काम करते जाओ फल अपने आप मिलेगा, वो वहाँ से सीखा हमने। और काम कभी मतलब प्रोग्रेस नहीं छोड़ो, मतलब हर दिन में कुछ सोचो कि आपने आज क्या अचीव किया, वो एक बहुत एक अलग ही हम लक बोलिए जो भी ऐसे हीरा से निकले कि इतना लर्निंग हुआ कि वो अंदर बॉडी में पेवस्त हो गया कि यार व्हाट एवर यू वांट टुडे, आज शाम को अपने आप को सवाल पूछो कि आप आज आपने सीखा क्या, और वो बहुत आगे ले गया मुझे आज तक दुनिया में। तो अब आपका रोल क्या है, आप कॉर्पोरेट में आ गए हैं, तो एग्जैक्टली क्या है, मतलब पेपर वर्क करते हैं या फील्ड में जाते हैं या फिल्म बनाते हैं, क्या है आपका रोल? सर फिलहाल मेरा दो रोल चल रहे हैं, एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो है आई एम हायर्ड एज ए फिल्म एक्सपर्ट, अ कंसल्टेंट और अ फीजिबिलिटी एक्सपर्ट, कि एक फिल्म की जो साइंस है, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि जब लोग बोलते हैं ये फिल्म आर्ट है क्राफ्ट है, मैं उनको बोलता हूँ उसकी बिजनेस का इतना बड़ा साइंस है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जिसने इतने साल बिताए हैं वो इसमें एक साइंस ढूंढ के लाते हैं, मैं ये वो साइंस मैंने ढूंढा है फिल्म बिजनेस के अंदर। सो आई प्रोवाइड दिस एज अ सर्विस और एज अ कंसल्टेंट, एज अ पर्सन हु एडवाइजेस पीपल कि ये साइंस कैसे हर प्रोडक्ट के अंदर से ढूंढा जाए, उसके ऊपर मैं एडवाइस करता हूँ। तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केटिंग में लोगों को हेल्प करता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन पिक्चरें जो मेरे पास आती हैं लोग मुझे हायर करते हैं कि आप हमको ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ए टू जी पिक्चर का जो बनने के बाद फिल्म मार्केट में कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए, कैसे उस फिल्म को पहले तीन स्टेप हैं उसके, फर्स्ट स्टेप जो है जो फिल्म बनने के बाद वो उसकी अवेयरनेस है, जब अवेयरनेस ही नहीं है तो अच्छी बुरी की तो बात ही नहीं हो सकती है। तो अवेयरनेस क्रिएट करो कि ये फिल्म आ रही है भाई एक्स वाई जी, आज जैसे मेरी एक पिक्चर रिलीज हुई है उसका नाम है वन डे, अनुपम खेर साहब है, लेकिन हम किसी को पूछेंगे भैया तो बोले हैं मैंने नाम ही नहीं सुना। तो पहला सवाल यह है कि अवेयर है कि नहीं आदमी, तो अवेयरनेस के लिए आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हो, वो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा कि पिक्चर की अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है वो है लाइकिंग और डिसलाइकिंग, जो कैंपेन आपने बाहर निकाला है, जो पोस्टर आपने बाहर निकाला है, जो ट्रेलर आपने निकाला है, क्या लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कन्वर्जन, कि टिकट्स बिकेगी कि नहीं, जब लाइकिंग ही नहीं हुआ तो टिकट कहाँ से बिकेगी। तो ये उसका भी एक फॉर्मूला है कि ये अवेयरनेस नहीं हुई तो बिकनी नहीं है टिकट, वो तो किसी को पता ही नहीं, आई और गई, वहीं खत्म। दूसरा है लाइकिंग और डिसलाइकिंग, तो आप प्रोडक्ट में जो पिक्चर है आपकी उसको लोग जज करेंगे ट्रेलर पोस्टर देख के कि हाँ अच्छा है या बुरा है, और उसी के बाद वो टिकट खरीदेंगे, तो वो लाइकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन स्टेज हैं एक फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग के, जो अगर आप साफ साफ आप इसके सब टेक्स बहुत है इसके अंदर कि अवेयरनेस हुई, अवेयरनेस किसको हुई, जैसे हमने पिक्चरें बनाई, हम पूछते हैं भाई ये पिक्चर किसके लिए बनाई, तेरा टारगेट ऑडियंस कौन है,
टारगेट ऑडियंस पता नहीं होता है कभी कभी आदमी को, और वो फिल्म लेके आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बहुत इंटरेस्टिंग है, कई सारी फिल्में हैं जो रूरल बेस्ड होती हैं लेकिन वो गांव में नहीं चलती हैं, वो कैसे समझ में आएगा लोगों को। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आर्टिकल 15 एक पिक्चर आई है, इट इज बेस्ड ऑन सम रूरल थीम, बट आप रूरल गांव में जाके देखिए वो पिक्चर नहीं चल रही, कम चल रही, क्योंकि उस ऑडियंस को आप उनकी रियलिटी मत दिखाइए। वो बोलते हमको प्लीज, हमको एस्केपिज्म चाहिए, हमको आप ना गोलमाल दिखा दीजिए, हमको आप कोई ऐसी सिम्बा दिखा दीजिए, रोहित शेट्टी दिखा दीजिए, हमको एस्केप होना है ये रियलिटी से। आप उनको रियलिटी नहीं दिखा सकते जिनकी रियलिटी वो खुद है। तो ये ऐसे बहुत सारा उसका एक सबटेक्स्ट होता है कि टारगेट ऑडियंस कौन है भैया आपका। सो एज ए फिल्म मेकर जब मैं फिजिबिलिटी स्टडी करता हूँ तो मैं फिल्म मेकर को बताता हूँ कि ये फिल्म आपने कहानी लिखी है लेकिन ये कहानी किसके लिए लिखी है भाई आपने, हु इज द ऑडियंस फॉर दिस, डू यू नो दैट। अगर नहीं पता है तो फिर आगे जाके आप फंसोगे, आगे जाके आप ऑडियंस ढूंढने जाओगे। आप तो कहानी कह रहे हो जो आपको कहनी है, ऑडियंस को कहानी देखनी है आपके ऑडियंस को। सो देयर इज दैट साइंस सबटेक्स कि टारगेट ऑडियंस कौन है, और टारगेट ऑडियंस पे मार्केटिंग कैसे टारगेट किया जाता है, वो थर्ड सबटेक्स्ट है आपका कि ये मार्केटिंग तो हम कर रहे हैं लेकिन पहुंच रहा है कि नहीं। अब पिक्चर है गांव की लेकिन हम डिजिटल वर्ल्ड में उसको प्रमोट कर रहे हैं, ये गांव में तो है ही नहीं डिजिटल, आ रहे हैं अभी तो लेकिन था ही नहीं डिजिटल, तो दूसरा मीडियम ढूंढो कि ये गांव में प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा भाई। भी आज रीजनल लैंग्वेज की फिल्में अलग तरह से प्रमोट होती है, हिंदी फिल्में अलग प्रमोट होती है, इंग्लिश अलग तरह से प्रमोट, हर चीज का टारगेट ऑडियंस अलग है, तो उसको अलग तरह से प्रमोट कैसे किया जाए। तो आप अलग टाइप के एक्सपर्ट हो, फिल्म रिलेटेड एक्सपर्ट, लेकिन वो आप कोई ढांचे में मैं आपको बिठा नहीं पा रहा हूँ मेरे माइंड में कि आप हो क्या एग्जैक्टली। सर बहुत जल्दी आप बिठा पाओगे, मैं एक अभी बहुत जल्द एक डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ सर। हाँ तो हमको कुछ तो समझ में आएगा। हाँ कि ये है रियली। हाँ तो क्या फिल्म बन रही है बता सकते हैं? नहीं अभी बहुत अर्ली है, टच वुड आई मस्ट टेल यू कि मतलब अभी तो ये लेवल तक है कि बड़े अच्छे प्रोड्यूसरों ने स्क्रिप्ट को लाइक किए, अभी तो सिर्फ लाइकिंग तक पहुंचा है, कन्वर्जन बहुत बाकी है अभी, सो होल्ड ऑन। बट या दिस इज माय अल्टीमेट एम्बिशन एंड नाउ आई वांट टू स्टार्ट मेकिंग फिल्म्स, स्टोरीज दैट आई वांट टू टेल। प्रोड्यूसर भी बन जाएंगे? प्रोड्यूसर तो वैसे भी हैं, मैं ऐसे एक नया एक मॉडल है मैं आपको बताता हूँ, लास्ट माइल प्रोड्यूसर, कि कोई फिल्म अटकती है या कहीं कोई फंसता है तो उसको हेल्प करने के लिए लास्ट माइल में मैं वैसे भी आ जाते हैं। अभी मेरी 4-5 पिक्चर है इस तरह की आ रही है तो वो मैं करता हूँ, हमेशा करता हूँ लास्ट माइल का काम। ये डिप्लोमा क्या करा है आपने फिल्म मेकिंग में? मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये डिप्लोमा फिल्म मेकिंग में किया है। हाँ वही फिल्म डायरेक्शन में। अच्छा। अब ऐसा है कि मेरे नसीब बड़े अच्छे हैं कि न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी यहाँ पे एक कोर्स लेके आई थी, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, अब मैं उसका बहुत ही ज़्यादा फैन हूँ उन लोगों का, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले हैं और मैंने उनका करिकुलम देखा था तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। तो मैंने कहा कि मेरे पास ऑप्शन है एज ए, आपको डायरेक्शन सीखना है, ज़्यादातर लोग क्या बोलते किसी के असिस्टेंट बन जाओ सीख जाओगे, बट मैंने ये देखा नहीं, मैंने ये देखा कि अगर आप किसी के असिस्टेंट बने तो आपको उनके ही शैडो में चलोगे। मेरे पास बहुत एग्जांपल है, नाम नहीं ले सकता हूँ, किसी लोगों के असिस्टेंट है वो उनके शैडो में ही रहते हैं, वेयरएज मैंने ये स्टडी किया कि इन लोगों के पास ऐसा करिकुलम है जो फेल हो ही नहीं सकता है। मतलब अच्छा। न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी आपको तीसरे दिन आपके हाथ में कैमरा दे देती है कि सर जाइए जो मर्जी पड़े आप कुछ शूट करके लाइए, जो मर्जी पड़े तीसरे दिन आप अच्छा। कोर्स के तीसरे दिन कि ये कैमरा आप इसकी आपकी बेबी है इसके साथ खेलिए आप, तो वो आपको कैमरा देते हैं। एक वीक के अंदर वो आपको एक टीम देते हैं 4 लोगों की, उसमें एक डायरेक्टर होता है, एक कैमरा होल्डर होता है, एक लाइटमैन होता है और एक असिस्टेंट होता है जो सब मैनेज करता है, और वो रोल चारों लोगों का शिफ्ट होते रहता है। एक बार मैं कैमरामैन बन जाऊंगा, एक बार मैं लाइटमैन बन जाऊंगा, एक बार मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, एक बार मैं असिस्टेंट बन जाऊंगा। तो बड़े इंटरेस्टिंग वे में ये लोग फिल्म मेकिंग सिखाते हैं, तो ये मेरा बड़ा यू नो गुड लक रहा कि मुझे इंडिया में आए हुए थे वो लोग और मुझे वो कोर्स करने मिला है यहाँ पे। तो इट वॉज दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ एंड विच गेम मी, एक दिल में एक ख्वाहिश तो थी लेकिन डर सा था कि डायरेक्शन कर पाऊंगा कि नहीं, और मैंने वहाँ पे 4 जरिया मिल गया वो करने का जरिया मिल गया, और मुझे लगा मैं तो होम विकेट पे हूँ, ऐसा खेला हूँ मैं कि मुझे लगा कि ये तो ये आई वॉज मेंट टू बी लाइक दिस, ये फिल्म मेकिंग तो मेरे लिए बड़ी एक मजे की चीज निकली, तो स्ट्रेस नहीं है मुझे बहुत, आप कहीं भी खड़ा कर दो मैं एक फिल्म बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया हूँ अभी। तो वो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आज के बारे में एक बात बताइए, आज बजट हुआ है तो फिल्म्स के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कुछ था उसमें? मैंने देखा बजट लेकिन मुझे तो कुछ दिखा नहीं उसमें। नहीं फिल्म्स के लिए ज्यादातर ना इजीली बजट्स में आता नहीं है, लेकिन लकीली इस गवर्नमेंट ने लास्ट साल के अंदर काफी सारी रियायतें फिल्म वालों को दी हैं, स्पेशली जीएसटी को कम करके उन्होंने कुछ करा है कम। हाँ काफी कम करके जीएसटी दिया है, तो थिएटर वालों के लिए ज्यादा मतलब जो एंटरटेनमेंट टैक्स था वो 33% 40% पे चल रहा था, आज अगर 100 रुपए के ऊपर की टिकट है तो
28% पे है, बहुत ही टैक्स तो बहुत सारा कम किया, और 100 रुपये के नीचे की टिकट पे तो सिर्फ 18% कर दिया. सो आई डोंट थिंक वी हैव एनी रीजन टू कंप्लेन, द गवर्नमेंट हैज स्टूड बाय अस एंड दे हैव डन समथिंग फॉर अस. और जितना मतलब रियायत तो ऐसी चीज है कि जितनी दोगे हम लेने के तैयार हैं, वो तो ठीक है, लेकिन बैलेंसिंग होना भी जरूरी है. तो आई थिंक हमको कुछ तो मिला है, तो इट इज़ नॉट कि हम एकदम हाइपर हैं कि आज हमको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने हमारे लिए काफ़ी रियायतें छोड़ी है. और आई एम होपिंग, आज का मैंने बजट डिटेल में स्टडी नहीं किया, पर आई एम होपिंग कहीं ना कहीं डिजिटल में और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में इक्विपमेंट वगैरह में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इम्पोर्ट्स में रियायत देती रहती है. नहीं कुछ था आज, हाँ मैंने अभी तक डिटेल में पढ़ा नहीं है, बट आई एम श्योर कुछ तो दिया होगा, कुछ रिडक्शन था आज मैंने देखा. हाँ जी हाँ, काफ़ी एक हमारे लिए मेन चीज़ टैक्सेशन होती है, और टैक्सेशन में लास्ट ईयर हमको थोड़ी रियायत मिली है. ये बताइए कि आज के जो उभरते हुए यंगस्टर्स हैं, जो फिल्म इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, पूना से आ रहे हैं, या अपने आप करना चाह रहे हैं, इनको आप क्या एडवाइस देंगे फिल्म मेकिंग के लिए? सर मैं आपको बताऊं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बॉलीवुड के अंदर मिस हो रही है, जो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, जो लोग नहीं उसके ऊपर वो कोर्स में शामिल नहीं हो चीज़ हो रही है किसी कोर्स में, फिल्म मेकिंग के कोर्स में, वो ये है कि मार्केटेबल है कि नहीं चीज़. क्रिएटिविटी मार्केटेबल भी होना ज़रूरी है ना. आज मैंने बड़े से बड़े, मैं अपनी कंपनी परसेप में काम करता हूँ, तो परसेप में देखा हुआ है, हमने इतने लोगों को पैसे दिए फिल्में बनाने के लिए, उन्होंने नॉन कमर्शियल फिल्में बना के दे दी, तो आर्टी फिल्में, और मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, इतने बड़े बड़े बजट में इतनी आर्टी फिल्में बनी हैं, और फिर उसकी मार्केटेबिलिटी नहीं होती है. आज आपने अगर यही नहीं स्टडी किया है कि आपके ऑडियंस को क्या चाहिए, तो प्रोड्यूसर तो नुकसान करेगा, और प्रोड्यूसर आपको कितने दिन बैक करेगा. तो मैं एक्चुअली अभी MET कॉलेज में ये एग्जैक्ट चीज़ मैं पढ़ाता हूँ. आई टीच स्टूडेंट्स, MBA स्टूडेंट्स, आई टीच PGDM स्टूडेंट्स, आई टीच मास मीडिया स्टूडेंट्स, कि जब तक मार्केटेबिलिटी नहीं है तो आप घर से भी मत निकलिए. सच बता रहा हूँ सर, मतलब किसी का नुकसान करोगे, खुद का नुकसान करोगे, और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी. कोई भी चीज़ मार्केटेबल नहीं है तो वो आप अपनी इंडल्जेंस के लिए बनाते हो. तो ये चीज़ ना फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा रही है उनको. बच्चों को थिएटर में जाके, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके मार्केटेबिलिटी सीखना बहुत ज़रूरी है. उसके बगैर आप फिल्म मेकर बने हो लेकिन आपको पता नहीं है कि ये फिल्म कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, तो फिर कितना बड़ा नुकसान. और एक फिल्म के पीछे 100-100, 200-200, 300-300 लोगों का मेहनत जाती है, और वो फिल्म पहले दिन लोग रिजेक्ट कर देते हैं. इंडिया के अंदर फ्लॉप रेशियो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमको डर लगता है. मेरे पास आज की तारीख में मतलब हर रोज एक पिक्चर आती है, एवरी सिंगल डे, के सर इसको मार्केट करना है. और मैं उनको बोलता हूँ कैसे, बताइए प्लीज. अपने बनाने से पहले ये नहीं पूछा कि ये पिक्चर कौन देखने जाएगा, ये पिक्चर क्यों बनाई है आपने, ये तो सोचे बताइए. मतलब आपने चार आदमी के साथ ये नहीं किया ग्रुप स्टडी कि ये पिक्चर देखने वाले कौन लोग हैं. तो अगर वो स्टडी नहीं करते हो तो आपको कोई हक नहीं है ऐसी फिल्म लाके मार्केट में अभी बोले रिलीज करो. कैसे रिलीज होगी आज थिएटर के अंदर सर? आज मिनिमम 100 रुपये टिकट रेट है. गाँव में जाओगे तो 50 रुपये मिलता है. मैं कि चलो अपन समझते हैं कि बी क्लास टाउन में भी 100 रुपये टिकट रेट है, 150 रुपये टिकट है. और टुडे टाइम इज मनी सर, ऐसा नहीं पहले जमाना नहीं था लोग भाई कुछ काम ही नहीं है देख लो पिक्चर. अभी टाइम इज मनी, हर इंसान अपने टाइम को वैल्यू करता है. लोग डिजिटल पे फोन पे बैठ के पैसा कमाते हैं, तो उनको ना आप टाइम वेस्ट मत करवाइए. तो आप इतने महंगे टिकटें कौन देखेगा जब आप कमर्शियल पिक्चर नहीं बनाओगे तो. तो सर आज मैं आपको बताऊँ, 300-350 फिल्में रिलीज होती हैं, उसमें से कितनी चलती होंगी आप बताइए सर? हर साल मतलब आज वर्षों से ये रिकॉर्ड है, 10 पिक्चरें सिर्फ सुपरहिट होती है 300 में से. 10 पिक्चरें, बाकी फिर बाकी की 10 फिल्में ब्रेक इवन, और जो बोलते हैं इंटरेस्ट कमा लिया भाई, चलो इंटरेस्ट मिल गया, बाकी लॉस. बाकी की फिल्में 90% फिल्में फ्लॉप है. अच्छा, जिसको बोलते हैं डब्बा डब्बा, वो डब्बे में पड़ी रहती है. तो क्यों मतलब इट इज सो मच वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज. हालांकि बहुत लोगों को काम मिलता है, बहुत लोगों को पैसे मिलते हैं, लेकिन वही अगर थोड़ी सक्सेसफुल अच्छी फिल्म बनाएंगे तो प्रोड्यूसर और पैसे डालेंगे. जो आदमी कमाएगा तो पैसे वापस डालेगा ना. सो मुझे और क्वेश्चंस भी पूछने थे लेकिन मेरा टाइम एक्सीड हो गया है. सो यूसुफ, सच अ प्लेजर सर. यूसुफ साहब थैंक यू वेरी मच, आप आए. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस. सर मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत खुश हूं. थैंक यू सो मच. आई मस्ट थैंक यू एंड ऑल इंडिया रेडियो फॉर इनवाइटिंग मी हियर. मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके, और मुझे बचपन के बहुत सारे सपने उजागर हो गए जो मैंने ऑल इंडिया रेडियो को इतना सुना है. सो आई थैंक ऑल ऑफ यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू. अभी आप सुन रहे थे फिल्म निर्माण के क्षेत्र में 30 वर्षों से निर्माता, वितरक और फिल्मों के व्यवसाय की मार्केटिंग, फिल्मों की तकनीक और न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से जुड़े और उसके निर्माण से जुड़ी जानकारियों की शिक्षा देने वाले यूसुफ शेख से बातचीत.
बातचीत कर रहे थे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नजारा टेक्नोलॉजी, प्रेसिडेंट ऑफ आईबीजी, रिपब्लिक ऑफ माली के ऑनररी काउंसिल विकास मिटरसन, प्रस्तुति सहायक अनीशा विश्वकर्मा और सृष्टि जाधव, और एफएम गोल्ड की ओर से इसे प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।